तो वही अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां गौतम बुद्ध नगर में कुख्यात अपराधी रणदीप भाटी गैंग के शार्प शूटर अमित कसाना की 17 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। बता दें कि जिला प्रशासन ने टॉप 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट बना रखी है और उनसे जुड़े लोगों की संपत्ति को कुर्क करने का काम लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते कुख्यात रणदीप भाटी गैंग के शार्प शूटर अमित कसाना की करीब 17 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। जानकारी के अनुसार कुख्यात माफिया रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य और टॉप शूटर अमित कसाना, जो गैंग संख्या 298 का सक्रिय सदस्य माना जा रहा है, जिस पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। इसको लेकर पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कार्रवाई की है। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां रील बनाने के शौक में दहशत फैला रहे नौजवान, सोशल मीडिया पर वसूली करने का वीडियो वायरल हो रहा है। रील बनाने के दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, थाना रकाबगंज क्षेत्र के बताए जा रहे हैं युवक। तस्वीरों में देखिए किस तरह से युवक दहशत गर्दी मचाते हुए रील बना रहे हैं और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। रील में युवक वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं, थाना रकाबगंज क्षेत्र के ये युवक बताए जा रहे हैं। रील बनाने के शौक में दहशत फैला रहे नौजवान, सोशल मीडिया पर वसूली करने का वीडियो वायरल। रील बनाने के दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। बीच सड़क पर देखिए किस तरह से नौजवान रील बना रहे हैं, थाना रकाबगंज क्षेत्र के युवक बताए जा रहे हैं।